अभी बनाएंगे हम सोयाबीन कटलेट। सोयाबीन कटलेट के लिए ये सोयाबीन उबाल के इसमें से पानी निचोड़ लिया और इसमें डालेंगे अब ये धनिया पत्ता कटा हुआ और एक मीडियम चम्मच अदरक कटा हुआ पतला ये डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून नमक। नमक डाल लेंगे और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और इसमें डालेंगे हम ये आलू। आलू इसके अंदर डाल देंगे इसको मिक्स कर लेंगे सोयाबीन के साथ। इस तरह से सोयाबीन के साथ आलू मिक्स कर लेंगे और ये सोयाबीन आलू मसाला मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 लेमन जूस, नींबू कटा हुआ और 1 कप ये बेसन, 1 कप बेसन। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ये इस तरह से बॉल बना के इसको प्रेस करके सोयाबीन कटलेट को इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसको बना के एक प्लेट में रख लेंगे। बस और ये कटलेट बना लेने के बाद इसको तेल में डाल लेंगे और अच्छा गोल्डन क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे इसको। और ये कुछ देर बाद एक तरफ फ्राई करने के बाद इसको पलट के दूसरी तरफ फ्राई कर लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे कटलेट को और तरह से लेंगे कटलेट को पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और ये क्रिस्पी फ्राई हो चुका है सोया कटलेट, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके।